50,000 करोड़ का निवेश आने वाला है। मैं मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप भी तालियां बजा के अभिनंदन करें। इसी बुंदेलखंड की धरा पर कैन और बेतवा बहुत जल्दी काम प्रारंभ होने वाला है और 20 लाख एकड़ जमीन में बुंदेलखंड में सिंचाई होगी। बुंदेलखंड की धरती पंजाब और हरियाणा को मात करेगी। 44,000 करोड़ रुपए की योजना का उपहार प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। और कल संसद में जो हुआ वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे हैं और उनमें से एक, अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। एक नए भारत का उदय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, इसलिए मैं एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी से आग्रह कीजिए कि बुंदेलखंड का ये आखिरी कार्यक्रम नहीं है। बीना रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उत्पाद का जब उसका शुभारंभ होगा तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे, ताली बजा के आह्वान कीजिए। कैन बेतवा के शिलान्यास के लिए भी प्रधानमंत्री जी पधारे और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी, एक बार फिर प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति कर ही रह दासा। संत श्रोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए जल्दी ये भव्य मंदिर हमें मिले। जो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा फहराने का अभियान, जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम भी मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराएंगे। बोलिए सब फहराएंगे, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।